वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा जिसमें हम लोगों ने डेबिट और क्रेडिट समझने की कोशिश की। अब इसके अंदर हम जर्नल एंट्री देखने जा रहे हैं स्टूडेंट। जर्नल एंट्री के हम लोग दो सेशन देखेंगे और ये दो सेशन करते करते आई होप आप जर्नल एंट्री में काफी कंफर्ट हो जाओगे। लेकिन आप सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट होगा स्टूडेंट कि ये लेक्चर देखने से पहले आप डेबिट क्रेडिट कंसेप्ट को समझना, वो आप लेक्चर देखना, देन यू सी दिस, तो आपको चीजें थोड़ा ज्यादा समझ में आएंगी। अब देखो जर्नल एंट्री जो चलता है स्टूडेंट, वो जर्नल एंट्री ड्यूअल एस्पेक्ट सिस्टम होता है। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अब ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या होता है स्टूडेंट, किसी भी ट्रांजेक्शन का आप जर्नल करने जाओगे तो वो जर्नल दो जगह रिकॉर्ड होगा। वो जर्नल एक डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा और एक क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। इसी को हम डबल एंट्री सिस्टम भी स्टूडेंट बोलते हैं। तो कोई भी ट्रांजेक्शन जिसको आप रिकॉर्ड करोगे तो हम लोग उसको एक जगह डेबिट और दूसरे जगह क्रेडिट में हम लोग क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब इसी बेसिस पे स्टूडेंट में कुछ जर्नल एंट्री आपको बता रहा हूं, तो उस जर्नल एंट्री को आप समझो कि देखो किस तरीके से आप करोगे कि धीरे 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 उसके ऊपर आपका कमांड होता जाएगा और आप उसके ऊपर कंफर्ट फील करोगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 5000। अब जब कभी भी आप स्टूडेंट एंट्री करोगे तो जस्ट मैंने डेबिट क्रेडिट कंसेप्ट भी बताया कि आप उसमें चार चीजों को देखोगे, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेस। इन चार चीजों को हमेशा आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अगर स्टूडेंट इन चार चीजों को आइडेंटिफाई कर लेता है तो आई होप कि उसके लिए अकाउंट्स काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। वही चार चीजें देखो यहां पर मैं फिर से लिखता हूं, जैसे मैंने बताया आपको एसेट्स। अब एसेट्स में देखोगे स्टूडेंट, अगर एसेट्स हमारा इंक्रीज हो रहा है, एसेट्स क्या हो रहा है इंक्रीज, जिसको मैं प्लस साइन कर रहा हूं, तो कहां पर हो जाएगा डेबिट। अगर एसेट्स डिक्रीज हो रहा है माइनस, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपके लिए क्रेडिट। लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी स्टूडेंट इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है डेबिट, इनकम ऑलवेज क्रेडिट स्टूडेंट, एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट, दैट्स इट। इन चीजों को स्टूडेंट आप समझ जाओ, देख आपके लिए कितना इजी हो जाएगा। एसेट्स लायबिलिटी आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये इसके पहले के लेक्चर्स में हमने देखा। एसेट्स के लिए मैंने बता दिया कैश और वो सारी चीजें जो आपको बेनिफिट्स देती हैं, जिसके आप ओनर हो, आपके लिए एक तरह से एसेट्स है। लायबिलिटी, एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट हो जाएगा। लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, और लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है डेबिट। इनकम ऑलवेज आपके लिए स्टूडेंट क्रेडिट, और एक्सपेंसेस ऑलवेज आपके लिए डेबिट, दैट्स इट। अब इसी के ऊपर कोई भी नहीं, अभी अपने आप को स्टूडेंट आपको बिजनेस का अकाउंटेंट समझना है कि सपोज हम लोग बिजनेस के अकाउंटेंट और ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही है।
अब जैसे मैं इस एंट्री की बात करूं, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 5000। अब परचेज गुड्स, मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं, गुड्स परचेज करना शुड हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, ए एक्सपेंस। ये जो गुड्स मैं परचेज कर रहा हूं किससे परचेज कर रहा हूं स्टूडेंट, कैश से। कैश हमारे लिए स्टूडेंट एसेट्स है, कैश एसेट्स। अब देख एसेट्स डिक्रीज, जो भी मेरे पास कैश का बैलेंस होगा जब मैं गुड्स परचेज करूंगा तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, कैश मेरे पास से क्या होगा स्टूडेंट जाएगा, माइनस डिक्रीज हो रहा है मेरा एसेट्स और ये हो गया फेल। तो काफी सिंपल एंट्री हो जाएगा स्टूडेंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अमाउंट इज 5000 और अमाउंट इज 5000। ओके, तो इस सारी चीजों को ना शांति से 2-3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो इसके ऊपर आपका कमांड बढ़ता जाएगा, चीजें आपके लिए इजी होती जाएंगी। अनदर एंट्री, परचेज गुड्स रुपीज 10,000 ऑन क्रेडिट। हम लोगों ने गुड्स परचेज किया क्रेडिट, अभी हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं। वंस अगेन परचेज इज एक्सपेंस, हमारे लिए क्या है परचेज करना एक्सपेंस, और एक्सपेंस वंस अगेन क्या हो जाएगा डेबिट। अब हम लोग गुड्स यहां पर ना परचेज कर रहे हैं ऑन क्रेडिट। अब इसको समझाने के लिए एक चीज देखो, एक ए और एक बी। सपोज ए ने सोल्ड किया, अब ए ने अगर बी को सोल्ड किया तो अगर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो बी डेटर्स होगा। डेटर्स का मतलब ही होता है फ्रॉम होम रिसीव्ड कैश। ए ने बी को सोल्ड किया तो अगर मैं बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बी ने परचेज किया। अब बी ने परचेज किया तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ए क्या बन जाएगा क्रेडिटर। क्रेडिटर्स मतलब टू होम अमाउंट पेबल, जिसको मुझे क्या करना है स्टूडेंट पेड करना है। तो यहां पर है परचेज गुड्स रुपीज 10,000 ऑन क्रेडिट, हम लोगों ने 10,000 का गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया। तो परचेज मैंने बता दिया एक्सपेंस, एक्सपेंस मेरे लिए डेबिट। और हम लोगों ने क्रेडिट पर परचेज किया, अभी क्रेडिट पर हम लोगों ने परचेज किया। अभी सपोज यहां पर एग्जाम्पल लिख दो, परचेज गुड्स रुपीज 10,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम, चलो मैंने लिख दिया, हमने परचेज किया बी से। एक एग्जाम्पल, हम ए हैं और हमने बी से परचेज किया, तो ये बी मेरे लिए क्या बन जाएगा, बी मेरे लिए क्रेडिटर्स बन जाएगा। बी को मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट पेमेंट करना पड़ेगा, बी मेरे लिए कौन बन जाएगा क्रेडिटर्स। मुझे बी को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट पेमेंट करना पड़ेगा, ए मेरे लिए क्या बन जाएगा लायबिलिटी, बी मेरे लिए क्या बन जाएगा लायबिलिटी। और मेरा लायबिलिटी ना स्टूडेंट बढ़ेगा, मुझे बी को पैसा देना है तो मैं एक तरह से बोल सकता हूं लाइबिलिटी प्लस होगा, इंक्रीज होगा, और लाइबिलिटी इंक्रीज होगा ना स्टूडेंट ये हो जाएगा क्रेडिट।
तो अगर मैं बी से परचेज कर रहा हूं तो एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू बी, या इसी को मैं लिख सकता हूं क्रेडिट। अमाउंट कितना स्टूडेंट? 10,000। नंबर थ्री, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 5,000। अभी हम लोग सोल्ड कर रहे हैं, हम बिजनेस के अकाउंटेंट हैं और हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं। सोल्ड इज अ इनकम, सोल्ड करोगे तो क्या होगा? इनकम होगा। इनकम ऑलवेज क्रेडिट। हम लोग सोल्ड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? कैश। कैश क्या है स्टूडेंट? एसेट्स यहां आया। अब ये सोचना है कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो मैं जब सोल्ड करूंगा तो एसेट्स मेरा क्या होगा स्टूडेंट? इंक्रीज होगा ना। कैश मेरे पास क्या होगा? बढ़ेगा, ये प्लस होगा। और एसेट्स इंक्रीज क्या हो जाएगा? डेबिट। तो एंट्री होगा स्टूडेंट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स बोलो सोल्ड बोलो अमाउंट इज 5,000। सेम सोल्ड गुड्स रुपीज 2,000 टू बी ऑन क्रेडिट। वंस अगेन सोल्ड हम लोगों ने सोल्ड किया, लेकिन लास्ट वन में कैश से सोल्ड कर रहे थे, अभी किससे सोल्ड किया? क्रेडिट का। सोल्ड इनकम, इनकम में सोचना नहीं है, ऑलवेज क्रेडिट। हम लोग किसको सोल्ड कर रहे हैं स्टूडेंट? बी को। हम लोग किसको सोल्ड करेंगे वो हमारे लिए कौन बनेगा स्टूडेंट? डेटर्स। डेटर्स क्या है स्टूडेंट? एसेट्स। एसेट्स मेरा क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। एसेट्स मेरा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और एसेट्स इंक्रीज होगा तो कहां पे चला जाएगा? डेबिट। तो एंट्री होगा, मैं बी लिखूं या फिर अब डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अमाउंट इज 10,000। मतलब ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, आपको इसका आइडेंटिफिकेशन आ गया कि हाँ इनकम है कि एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है, एसेट्स है। तो देखना हो चीजें आपके लिए कितना डे टू डे इजी हो जाएगी। नेक्स्ट इज फर्नीचर परचेज 50,000 फॉर कैश। अब स्टूडेंट इस फर्नीचर में और इस परचेज गुड्स में आप डिफरेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। परचेज गुड्स स्टूडेंट मतलब जो हम डे टू डे के लिए कर रहे हैं, दैट इज एक्सपेंस, वो रिकरिंग इन नेचर वाला है। अरे जो फर्नीचर परचेज कर रहे हैं ये डे टू डे के लिए नहीं है स्टूडेंट, ये नॉन रिकरिंग है। ये आगे चल के और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जो हम डे टू डे के लिए परचेज कर रहे हैं, हम मटेरियल परचेज कर रहे हैं या कोई हम गुड्स ही परचेज कर रहे हैं, सेल करने के लिए परचेज कर रहे हैं, तो वो तो मैं रेगुलर परचेज करूंगा। जैसे मैं मोबाइल सेल करने वाला एक दुकानदार हूं, तो मैं मोबाइल रेगुलरली परचेज करता रहूंगा, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग क्वांटिटी परचेज करते रहूंगा, सेल करते रहूंगा। तो वो मेरे लिए मोबाइल क्या है? गुड्स है, वो मेरे लिए एक्सपेंस काउंट होगा। लेकिन मैं मोबाइल खुद के लिए परचेज करूं, मैं अपने उस बिजनेस में फर्नीचर परचेज करूं, वो फर्नीचर सेल करने के लिए परचेज नहीं किया, तो मेरे लिए क्या होगा? एसेट्स होगा। तो यहां पर फर्नीचर परचेज रुपीज 50,000 फॉर कैश। अब फर्नीचर स्टूडेंट मैंने बता दिया एसेट्स,
मैं एसेट्स परचेज कर रहा हूं, एसेट्स परचेज कर रहा हूं, ये मेरे पास क्या होगा, प्लस होगा डेबिट। कैश भी तो स्टूडेंट एसेट्स है, लेकिन कैश स्टूडेंट डिक्रीज होगा और डिक्रीज क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री अगर मैं करने जाऊं तो एंट्री होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000, और ये क्या हो गया 50,000। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड स्टूडेंट। तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में लिखना है तो 2-3 एंट्रीज लिख लो, फिर मैं रफ करके और आपको 2-3 एंट्री एक्सप्लेन करता हूं। नंबर था 600, लोन टेकन फ्रॉम बैंक रुपीज 30,000। अब हम लोगों ने स्टूडेंट लोन लिया, अब स्टूडेंट जाके मैं बैंक से लोन लूंगा तो मुझे बैंक पैसे ही तो देगा, अरे कैश ही देगा ना, एसेट्स। और बिजनेस के पास कैश उठने से क्या होगा, अप्स होगा, बढ़ेगा। मेरे पास 1,00,000 था, बैंक से जाके 30,000 लोन ले गया, कैश के पेटी में उसको रखा, अब कैश के पेटी को काउंट करूंगा तो 1,30,000 दिखाई देगा, तो एसेट्स बढ़ेगा। मैंने स्टूडेंट यहां पर लोन लिया, बैंक से लोन लिया, इसके पहले वाले लेक्चर में मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि लोन इज अ क्रेडिट। लोन को कहां बताया था मैं, क्रेडिट को क्या बताया था, क्रेडिट मींस दैट इज लोन। तो लोन मैंने लिया स्टूडेंट, लोन मेरे लिए लायबिलिटी है, और मेरे पास लायबिलिटी क्या हो रहा है स्टूडेंट, इंक्रीज हो रहा है। जैसे मैं 10,000 पहले ऑलरेडी लिया था, 30,000 रुपीज और ले लिया, अब मेरा लोन 40,000 हो गया, मेरी लायबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, लायबिलिटी बढ़ गई, और लायबिलिटी बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो इसका मैं एंट्री करूंगा, तो एंट्री होगा स्टूडेंट कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कितना 30,000। इसी तरीके से पेमेंट टू बैंक लोन, चलो पेमेंट टू बैंक लोन 30,000। चलो हमने जो लोन लिया था स्टूडेंट उसको भी हम पे कर रहे हैं। वंस अगेन सेम, मैं लोन पेड करूंगा तो मुझे क्या देना पड़ेगा स्टूडेंट, कैश देना पड़ेगा। कैश मेरे लिए क्या है स्टूडेंट, एसेट्स है। मतलब मेरे पास जो भी कैश था उसमें से 30,000 कम होने वाला, एसेट्स कम होने वाला स्टूडेंट, एसेट्स कम, डिक्रीज क्रेडिट। ये बैंक लोन को मैंने क्या बताया था स्टूडेंट, लायबिलिटी बताया था, पेबल है ना, देना है। लायबिलिटी भी मेरा क्या होने वाला है, कम। जैसे 40,000 रुपीज का लोन हो गया था, अब जाके 30 में रिटर्न कर रहा हूं, लायबिलिटी कम होने वाला है स्टूडेंट, कम होने वाला तो क्या हो जाएगा, डेबिट। बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000, डेटर्स पे रुपीज 10,000। अब डेटर्स को स्टूडेंट हम लोग 10,000 रुपीज पेड कर रहे हैं, पेड लिखा मतलब वी आर पे, हम दे रहे हैं। अब हम डेटर्स को देंगे मतलब कैश देंगे,
एसेट्स, स्टूडेंट एसेट्स, एसेट्स मेरे पास से जा रहा है माइनस क्रेडिट। मैं डेटर्स को पेड कर रहा हूं स्टूडेंट, डेटर्स इज ऑल्सो एसेट्स, सॉरी डेटर्स पेड रुपीज 10,000, डेटर स्टूडेंट पेड कर रहा है, मतलब डेटर्स हम लोगों को पैसे देगा, डेटर्स देगा कैश, एसेट प्लस डेटर्स हम लोगों को कैश देगा, हमारे पास हमारा एसेट्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बढ़ जाएगा। तो हमारे पास कैश आएगा, ये डेटर्स भी तो हमारे लिए एसेट्स था। अब मैं सोच रहा था कि चलो मुझे उस आदमी से 40,000 रुपीज देना है, अब उसने से मुझे 10,000 रुपीज दे दिया, तो मेरा एसेट्स उतने से क्या हो गया स्टूडेंट, कम हो गया ना, और कम हो गया तो कहां पर क्रेडिट। तो अगर मैं एंट्री करूंगा तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। रियल में जब हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे और किसी ने किसी का नाम रहेगा किसी बिजनेस का पार्टी का तो वी राइट दैट नेम। कितना स्टूडेंट, 10,000 रुपीज। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर रुपीज 5,000। इसका ये मतलब कि स्टूडेंट यहां पर वी आर पेइंग, हम लोग पे कर रहे हैं। अब हम लोग पे करेंगे तो कैश ही तो पे करेंगे, कैश मतलब एसेट्स जाएगा क्रेडिट, एसेट्स डिक्रीज होगा, हम लोग क्रेडिटर्स को पे करेंगे, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बताए मैंने आपको लाइबिलिटी, हमारा लाइबिलिटी कम होगा, किसी को 40 देना था अगर मैं 5,000 दे दिया तो मेरी लाइबिलिटी 35 रहेगी, लाइबिलिटी डिक्रीज माइनस डेबिट। तो एंट्री होगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट इज 5,000 रुपीज। ओके स्टूडेंट, तो आप कोई भी ट्रांजेक्शन आप देखते हो तो हम लोग ड्यूअल एस्पेक्ट सिस्टम से उसको करते हैं, एक एंट्री डेबिट तो एक एंट्री क्रेडिट। मैंने आपको बताया कि ये फोर थिंग्स, जो चार चीजें हैं, एसेट्स लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस, इसी को आपको आइडेंटिफाई करना है। अब आपको समझ में आ जाता है कि चलो ये एसेट्स है तो आपको देखना है इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। आपको समझ में आता है कि अरे सी दिस इज द लाइबिलिटी, ये इसमें का एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। एक्सपेंसेस और इनकम के लिए ज्यादा नहीं सोचना है आपको, एक्सपेंसेस है ऑलवेज डेबिट, इनकम है ऑलवेज क्रेडिट। तो आई होप स्टूडेंट ये चीजें कहीं ना कहीं आपको अकाउंटिंग एंट्री करने में, जर्नल करने में हेल्प करेंगे, तो आप इनको कॉपी कर लो और काफी कूल माइंड से आप इस रिकॉर्डिंग को देखो और नहीं समझ में आता पूछो। इसी जर्नल के ऊपर एक हम लोग और सेशन रखेंगे जिसमें और थोड़ा सा एडवांस एंट्रीज हम लोग वहां पर देखेंगे जो आपके कंसेप्ट को और क्लियर करने में आपको हेल्प करेगा। थैंक यू स्टूडेंट।